मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आर्च बिशप फादर फेलिक्स टोपो ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो के अंतिम संस्कार की धर्म विधि 11 अक्टूबर को पूरी की जाएगी। विशेष प्रार्थना सभा के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो के निधन से हम सभी दुखी हैं। उनके साथ हमारे रिश्ते काफी पुराने रहे हैं। उनका हमेशा ही हम लोगों को सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा। वे हमेशा ही समाज और राज्य के विकास और हित की बात करते थे। उनका निधन हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उन्हें शत शत नमन। मालूम हो कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो का 4 अक्टूबर को निधन हो गया था। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो ने बुधवार को मांडर के अस्पताल में अंतिम संस्कार ली। बता दें कि 83 साल की आयु वाले कार्डिनल पी टोपो लंबे अरसे से बीमार थे। उनकी तबीयत मंगलवार को ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें मांडर के कॉन्सेंट लिबियंस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके फेफड़े में पानी भर गया था। बड़ी बात यह है कि वह एशिया के पहले आदिवासी बिशप थे। उनके निधन की खबर से पूरा राज्य मर्माहत है। कार्डिनल तेलेस्फोर लोगों की सेवा करने, उनके हक हुकूक के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। दक्षिणी छोटा नागपुर चर्च के विकास में उनका अहम योगदान था। गुमला जिले के चैनपुर के सुदूरवर्ती गांव में जन्मे तेलेस्फोर पी टोपो को 21 अक्टूबर 2003 को कॉलेज ऑफ कार्डिनल में शामिल किया गया। कैथोलिक कालिसिया के इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले वह एशिया के पहले आदिवासी बिशप बने थे। जनवरी 2004 में 2 साल के लिए उन्हें कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था। बेल्जियम के पुरोहितों के जीवन से प्रेरित होकर उन्होंने संत अल्बर्ट सेमिनरी में दाखिला लिया था। सेंट जेवियर कॉलेज रांची से अंग्रेजी में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रांची विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए की पढ़ाई की। फिर संत अल्बर्ट कॉलेज रांची में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए उन्हें रोम के पोनाटिफिकल अर्बन यूनिवर्सिटी भेजा गया। कार्डिनल के निधन के शोक से पूरे राज्य के ईसाई समाज में शोक की लहर है। कार्डिनल की मौत पर झारखंड के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने शोक व्यक्त किया है। कहा है कि कार्डिनल का एक सुदूर गांव से निकलकर चर्च के उच्च पद पर आसीन होना झारखंड राज्य के आदिवासियों के लिए गौरव की बात थी। उन्होंने सदैव समाज के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा को बांटने का कार्य किया। साथ ही विश्व स्तर पर राज्य में आदिवासियों की दुर्दशा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से हर संभव प्रयास किया। बता दें कि 1969 में उनका पुरोहित अभिषेक स्विट्जरलैंड में हुआ। भारत लौटने पर वो तोरपा में स्कूल में पढ़ाने लगे। उन्हें दुमका का बिशप भी बनाया गया था। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो के निधन पर मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने दुख जताया है। 8 नवंबर 1984 में उन्हें रांची का आर्क बिशप बनाया गया था।